आंदोलन किसानों का ना किसी एक संगठन का है, ना किसी 10 संगठनों का जन आंदोलन है। किसानों का आंदोलन किसी एक व्यक्ति के कहने से या किसी संगठन के कहने से मैं नहीं रुकूंगी। मैंने समर्थन इनको दिया, किसानों को, संगठन को नहीं दिया किसी को। आप भी जान रहे हैं, सब रोटी मुंह में खाते, खाने में कोई नहीं खाता, सब समझते हैं बात को। माननीय मोदी जी ने उनको अपमान करो, जितने भी लाखों करोड़ों आंदोलनकारियों की वजह से हमारा देश आजाद हुआ, हमारे देश को आजादी मिली, शहादत हुई उनकी, इस बात इसलिए मैं माननीय मोदी जी से अनुरोध करती हूँ वो अपने शब्द वापस ले। ये जो ये किसान है, इनकी आय दुगनी होगी, अमीर बन जाएंगे, ये भी कहा, कहने की छोड़ो, लिखत में हो तो दिखाओ। हर धर्म का, हर जाति का व्यक्ति था जब हमारे देश को आजादी कराई गई थी उन लोगों ने। अशफाक उल्लाह खां भी थे और हमारे सब धर्मों के लोग थे, जिनके नाम लाखों लोगों के मुझे याद भी नहीं होंगे और शायद मोदी जी को भी याद नहीं होंगे। बार बार इनसे कोई सवाल करो, कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पाकिस्तान, ये सवाल जवाब रहते हैं इनके। राकेश जी ने कहीं वीडियो दिखाओ आप, मैं तो ढूंढ रही, वीडियो दिखाओ, आपके पास है उनकी वीडियो? मेरे पास तो नहीं, लेकिन लोग ऐसा फैला रहे हैं, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरी सुनिए, अगर राकेश टिकैत जी की आपके पास वीडियो तो अभी दिखाओ, क्योंकि मैं तो उन्हें ढूंढ रही हूँ जिसने ये बात कही है कि पूनम पंडित की भाषा अच्छी ना, वो गांव वाली भाषा में बोले, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। मैं तो उन्हें ढूंढ रही हूँ और आप बता रहे हो कि राकेश टिकैत जी रोक रहे हैं। भैया मैंने तो आपसे कही नहीं राकेश टिकैत जी रोक रहे हैं, मेरे को तो सुनने में आया कि किसी ने रोका। अब किसने रोका इस बात का तो मुझे भी ना पता, आपको कैसे पता कि उनकी बात है? ये बात स्टेज पे भी हुई थी कि राकेश टिकैत जी ने, राकेश जी ने नहीं कही, आप ये गलत मत, बाबा कैसा कहे क्या उन्होंने नहीं कही, जिस व्यक्ति ने कही, अभी उनका पता नहीं चला वो किस संगठन के हैं, क्लियर कर दूं मैं आपको, और जिस भी व्यक्ति ने कही है क्या कारण है ये भी नहीं पता चला, क्या मेरी कमी है ये कमी भी नहीं आई। दूसरी बात, ये आंदोलन किसानों का ना किसी एक संगठन का है, ना किसी 10 संगठनों का जन आंदोलन है। किसानों का आंदोलन किसी एक व्यक्ति के कहने से या किसी संगठन के कहने से मैं नहीं रुकूंगी। मैंने समर्थन इनको दिया, किसानों को, संगठन को नहीं दिया किसी को। मैडम ऐसा तो हो सकता है कि आपकी पॉपुलैरिटी देख के सब, भाई देखिए ऐसे ही मुझे उनकी मानसिकता से तो यही लग रहा कि लोगों का इतना प्यार मिल रहा, कि करोड़ों लोगों का प्यार मिल रहा, वो नहीं चाहते कि मुझे प्यार मिल रहा। गरीब की बेटी है, देखो इस तरीके से बात रख रही है, अपनी बेबाक बात रखती है एकदम, और इसलिए वो लोग शायद मेरे से, उनकी मानसिकता तो यही दर्शाती है। आप भी जान रहे हैं, सब रोटी मुंह में खाते, कान में कोई नहीं खाता, सब समझते हैं बात को। अच्छा किसान आंदोलन की अगर बात की जाएगी, क्योंकि आप हमेशा से ही फेवर में है, अब फेवर में ही रहूंगी सारी जिंदगी। अब मोदी जी ये कह रहे हैं कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, मतलब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अरे भैया ओ बाबा, सरकारी सरकारी जो नौकरी है उन्हें पक्की कर दो, इनको नौकरी दे दो, सरकारी नौकरियों को, सरकारी पदों को और सरकार की व्यवस्थाओं को, संस्थाओं को मजबूत करोगे ना तो हमारा देश मजबूत होगा। प्राइवेट किसी सेक्टर को आप मजबूत करोगे तो उद्योगपति होंगे बस मजबूत, हम रह जाएंगे, हमारा देश रह जाएगा। उन्होंने ये कहा है, आपने बोला कि प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन वो प्राइवेटाइजेशन के समर्थन में आते हुए उन्होंने ये कहा है कि कब तक हम बाबुओं से काम कराते रहेंगे, तो किससे करवाओगे? वो कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। भैया वे जो प्राइवेटाइजेशन करेंगे वो का व्यक्ति बाहर से आएंगे, दूसरे देश से आएंगे वे, लेकिन वो कह रहे हैं कि काम करने के लिए दूसरे देश सुनी आएंगे, भाई यहीं से आएंगे। फिर तू कहां जाएगा भाई, फिर तू कहां जाएगा, फिर तुझे नौकरी नहीं चाहिए सरकारी, तुझे नहीं चाहिए। वो तो बात अलग होगी, लेकिन मोदी जी ने ये कहा है ना, मोदी जी ने ये भी उनकी जो प्राइवेट सिस्टम है उसकी उनकी चिंता जता दी, क्या हमारी भी जताई? हमारा जो आंदोलन चल रहा है इतनी शहादत हुई, इनकी भी जताई चिंता? वो तो ये कह रहे ना कि ये किसानी आंदोलनकारी है, उन्होंने जमाती का भी शब्द का भी इस्तेमाल किया, तो उन्होंने कहा ये लोग हमेशा आते जाते रहते, इनसे हमें बच के रहना चाहिए। अच्छा जो ये किसान है ये भाई तो है तेली है किसान जुस्मा पहले कोल्लू में भाई जो बहनों बताए सही बाबा बिल्कुल बात कर रहे हैं मेरे। मोदी जी ने जो कहा ये आंदोलनकारी, इनसे देश को बचना चाहिए। अरे आंदोलनकारियों की वजह से देश आजाद हुआ, मोदी जी भूल गए इस बात को, भूल गए इस बात को। माननीय मोदी जी ने उनको अपमान करो, जितने भी लाखों करोड़ों आंदोलनकारियों की वजह से हमारा देश आजाद हुआ, हमारे देश को आजादी मिली, शहादत हुई उनकी, इस बात इसलिए मैं माननीय मोदी जी से अनुरोध करती हूँ वो अपने शब्द वापस ले। सबको आहट किया उन्होंने इस शब्द को कह करके, मुझे गर्व है कि माननीय मोदी जी ने आंदोलन जी भी कहा, लेकिन उनकी आहट पहुंचाई आत्माओं को, सारे परिवार को उनके, और लाखों करोड़ों लोगों की जो आंदोलन करने से ही हमारा देश आजाद हुआ, इस बात को वो भूल गए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है याद दिलाना चाहिए। और अनुरोध करती हूँ माननीय मोदी जी अपने शब्द वापस ले, अगर उनको उन आंदोलनकारियों की शहादत को ध्यान में रखते हो और उनको थोड़ी बहुत उनकी शहादत पे की इज्जत हो तो मैं माननीय मोदी जी से कहूंगी कि अपने शब्द वापस ले। मतलब वो बोले हैं, बोलने की छोड़ो राज्यसभा में खुद देखिए मेरी बात सुनी भैया, बोलने को तो मोदी जी ने ये भी बोला नौकरी मिलेंगी, बोलने को तो मोदी जी ने ये कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी ने ये भी कहा युवा बेरोजगार रहने को नहीं, और ये जो ये किसान है इनकी आय दुगनी होगी अमीर बन जाएंगे, ये भी कहा, कहने की छोड़ो, लिखत में हो तो दिखाओ, 15 लाख नहीं है
जब आ जाएगी जब सवाल करना। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो तीन काले कानून थे जो जैसे कि किसान बोल रहा है वो ये बोल रहे हैं ये वापस नहीं होगा, इस पे चेंजेस हो सकते हैं। कारण बता दो क्यों नहीं होगा, किसके कहने पे कह रहे हैं मोदी जी? हमारे कहने पे तो नहीं कह रहे वे, कर जिनके कहने पे इन कानूनों को लेकर आए मोदी जी, ये उनके कहने से कह रहे कानून हमारे लिए लाए हैं या उन लोगों के लिए लाए हैं जिनके कहने पे रद्द नहीं करना चाहते? मोदी जी से सवाल है भैया मेरा तो, क्यों नहीं होंगे कारण बता दो। आखिरी संदेश मोदी जी को क्या देना चाहिए? अनुरोध है, देखिए मैं तो आपको डेली कहती हूँ ये कानून रद्द हो जाए, लेकिन आज एक विनम्र निवेदन है कि जो आपने शब्द कहे हैं आंदोलनकारियों के लिए जिनकी वजह से हमारे देश को आजादी मिली, आप वे अपने शब्द वापस लें। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, देखिए वो छोड़ दीजिए, जो मेरा अनुरोध है आपसे आप वो शब्द अपने वापस लें। बहुत लोगों की शहादत लगी थी, हर धर्म का हर जाति का व्यक्ति था जब हमारे देश को आजादी कराई गई थी, उन लोगों ने अशफाक उल्लाह खां भी थे और हमारे सब धर्मों के लोग थे जिनके नाम लाखों लोगों के मुझे याद भी नहीं होंगे और शायद मोदी जी को भी याद नहीं होंगे, और भी बिरादरियों के सिख समुदाय के हिंदू धर्म मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध सब धर्मों के लोग थे, उनकी शहादतें लगी हुई हैं। माननीय मोदी जी से मेरा निवेदन है, मैं उनसे सर झुका के अनुरोध करती हूँ वो प्रधानमंत्री जी हमारे देश के अपने शब्द वो वापस लें बिल्कुल। मैडम यदि नहीं लेते हैं तो कब तक चलेगा ये तो लंबा खींचेगा? जब तक चलते रहेगा, जब हमारे कानून वापस नहीं होंगे, ये आंदोलन चल रहा है, हम आंदोलन ये कानून का वापस करवाने को बैठे हुए हैं यहाँ। वो तो बोले सिख समुदाय का ये है ना, वो हर बार यही होता है कि भैया ये धर्म का आंदोलन नहीं, क्या बार बताओ जाति का नहीं है, जन आंदोलन पूरे देश का। मोदी जी क्या बोलते हैं अभी मैंने कही नहीं, इनको छोड़ दो, कहा ना मैंने इनको क्या बोल रहे हैं वो छोड़ दो, ये आंदोलन सभी धर्मों का है और इतने लोगों की शहादत लगी हुई थी जब हमारा देश आजाद हुआ सभी धर्मों के लोगों की, और मेरा अनुरोध है माननीय मोदी जी अपने शब्द जरूर वापस लें। मैम ये भी कहते हैं क्या कि राजनीति विपक्षी पार्टी अपनी राजनीति, अरे विपक्षी तो मीटिंग करके स्पेशल बैठ जाए, उनके द्वारा विपक्षियों की बात मत करो, यहाँ किसानों की बात चल रही, बार बार इनसे कोई सवाल करो कांग्रेस सोनिया गांधी राहुल गांधी और पाकिस्तान ये सवाल जवाब रहते हैं इनके, इनसे जो आपको इतना प्यार है बीजेपी वालों को तो स्पेशल अलग मीटिंग करके इनसे बात कर लियो, हमारा किसानन का आंदोलन चल रहा तो किसानन की बात करी जाओ, किसानन के मुद्दे पर बात करें, और हर सरकार को ये बात स्वीकारनी पड़ेगी जब कोई आंदोलन होता है तो विपक्ष उसमें आता सहयोग करने के लिए, जब तुम कर रहे थे 2013 में कांग्रेस के खिलाफ तुम नहीं आए थे, ऐसी बात करें। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना।